यूपी के प्रयागराज की महिला एसडीएम ज्योति मौर्या और उनके पति आलोक मौर्या और ज्योति मौर्या के प्रेमी मनीष दुबे के किस्से सोशल मीडिया पर इस वक्त खूब सुने और सुनाए जा रहे हैं। इस पूरे मामले की जांच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही आदेश कर दी थी। जांच की जांच के रिजल्ट आ चुके हैं। ज्योति मौर्या के खिलाफ जो आरोप लगाए गए थे उसकी जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन उनके तथाकथित प्रेमी मनीष दुबे के खिलाफ जो जांच कमेटी जांच कर रही थी, अब कमेटी की रिपोर्ट पूरी हो चुकी है और रिपोर्ट जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय में पहुंचा दिया गया है। तो इस पूरे मामले में मनीष दुबे दोषी पाए गए हैं। मनीष दुबे के खिलाफ किन किन मामलों में जो है दोषी का साबित हो चुका है वो हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं OTT इंडिया। तो ध्यान से देखिए इस चेहरे को, मनीष दुबे, ज्योति मौर्या और आलोक मौर्या, ये तीन चेहरे ऐसे हैं जिसे अब से पहले आपने कभी ना कभी सोशल मीडिया के किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर हर दूसरी या तीसरी पोस्ट में ये तस्वीर जरूर देखी होगी। ये दरअसल ज्योति मौर्या महिला SDM है, जो मौजूदा दौर में भी महिला SDM है और बरेली के शुगर मिल में GM के पद पर तैनात हैं। इनके ऊपर इनके पति आलोक मौर्या ने अब से कुछ दिन पहले एक आरोप लगाया कि इनकी पत्नी इन्हें धोखा दे रही हैं और किसी एक पुलिस अधिकारी के साथ उनका नाजायज संबंध है और लखनऊ के एक होटल में उनके पति ने उनके साथ अतरंग अवस्था में देख लिया। उसके बाद उनके पति को ये दोनों, मतलब प्रेमी और प्रेमिका, जान से मारने की धमकी दे रही थी। ये मामला उसके बाद सोशल मीडिया फिर तोल पकड़ लिया है। आज के मौजूदा दौर में ये मामला इतना ज़्यादा तोल पकड़ चुका है कि हर किसी के जबान पर यही मामला चल रहा है। दरअसल इस मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेमी मनीष दुबे, जो कि कमांडेंट गाजियाबाद होमगार्ड में तैनात थे, उसके बाद उसका ट्रांसफ़र हुआ यूपी के महोबा में। और महोबा में देखने को मिला, जब उनकी पोस्टिंग हुई पहले दिन वो एक बैठक में शामिल होने के लिए जा रहे थे। मीडिया उनसे सवाल करती है कि इस पूरे मामले में अगर वो कुछ बोलें तो मीडिया के समक्ष अपना पक्ष रख सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं दोषी नहीं हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है, किसी भी मामले में मैं गलत नहीं पाया जाऊँगा और मुझे इस मामले में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं बोलना है। लेकिन जाँच कमेटी जो बनाई गई थी मनीष दुबे के खिलाफ, जो कमेटी जाँच कर रही थी, तो जांच कमेटी की रिपोर्ट अब सामने आ चुकी है और इस रिपोर्ट में मनीष दुबे दोषी पाए गए हैं, न सिर्फ एक मामलों में बल्कि दूसरे और तीसरे मामलों में। तो जो तीन मामले हैं जिसमें मनीष दुबे दोषी पाए गए हैं, अब कहा जा रहा है कि मनीष दुबे को सस्पेंड किया जा सकता है और इसकी मांग की जा रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के टेबल पर। वो जांच रिपोर्ट पहुंच चुकी है। पहला मामला ज्योति मौर्या का है। ज्योति मौर्या के ऊपर जो आरोप लगे हैं उस मामले में मनीष दुबे दोषी पाए गए हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था कि अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कोई करता है तो उसे दोषी नहीं माना जाएगा, लेकिन यही इस तरह की गतिविधियां अगर कोई सरकारी अधिकारी करता है तो ना सिर्फ उसकी बदनामी होती है बल्कि पूरे डिपार्टमेंट की बदनामी होती है। और यही मनीष दुबे के साथ हुआ। मनीष दुबे के ऊपर जो आरोप लगा, तो मनीष दुबे इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि मनीष दुबे को अगर एक आम व्यक्ति कह दिया जाए तो मनीष दुबे के ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही मनीष दुबे जब उनके खिलाफ एक पूरा पुलिस महकमा खड़ा है, वो पूरे होमगार्ड का जो है यूपी का उसके कमांडेंट हैं, उन लोगों को ये आदेशित करते हैं, आदेश देते हैं, उनके एक तरह से मुखिया हैं, और एक मुखिया ही जब इस तरह का अनैतिक कार्य करेगा तो सोचिए अपने अंडर आने वाले जिला होमगार्डों को वो क्या शिक्षा देगा। इस पूरे मामले में वो दोषी पाए गए हैं। दूसरा आरोप लगा है उन्हीं के कार्यकाल में गाजियाबाद में एक महिला होमगार्ड थी, उन्होंने आरोप लगाया था उस वक्त मनीष दुबे पर कि मनीष दुबे उन्हें रात में अकेले मिलने के लिए बुलाया करते थे और जब वो नहीं गई तो उसे वो परेशान करने लगे, जिसके बाद उसने इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में भी जांच पड़ताल जब हुई, इस जांच पड़ताल में मनीष दुबे दोषी पाए गए हैं। तीसरा मामला, मनीष दुबे की पत्नी तनु पराशर ने उनके ऊपर आरोप लगाया था कि शादीशुदा होते हुए भी मनीष दुबे ने उनके साथ धोखेबाजी की है, उन्हें चीट किया है, और इस पूरे मामले में भी जांच पड़ताल की गई। तो इस मामले में भी मनीष दुबे दोषी पाए गए हैं और अब इन तीन मामलों में दोषी पाए जाने के बाद मनीष दुबे की नौकरी जाने वाली है। और यही मांग यूपी की जनता, ना सिर्फ बल्कि देश भर की जनता, सोशल मीडिया के माध्यम से यही मांग कर रही है कि मनीष दुबे जैसे भ्रष्ट अधिकारियों को
कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो अब देखना होगा, इंतजार करना होगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मनीष दुबे के ऊपर किस तरह से कार्रवाई करते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब से करीब 1 से 1.5 साल पहले यूपी के SSP हुआ करते थे वैभव कृष्णा, वैभव कृष्णा के ऊपर भी इसी तरह से चरित्र हनन के आरोप लगे थे और ये मामला बहुत ज़्यादा तूल पकड़ा था, जिसके बाद तत्कालीन सरकार यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वैभव कृष्णा को यहाँ से हटा दिया था। लेकिन अब एक बार फिर से एक और सरकारी अधिकारी अगर इस तरह से दोषी पाया गया है तो उसके खिलाफ योगी आदित्यनाथ कैसी कार्रवाई करते हैं, ये ध्यान देने वाली बात होगी। वैसे आपको क्या लगता है, अपने विचार OTT इंडिया में कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। अगर आपने अब तक OTT इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं। शुक्रिया।